Hello students. So today we'll discuss exercise 9.4 before 9.5. Before it, I have told you homogeneous differential equation है ना. तो उससे पहले मैंने बताया था homogeneous differential function क्या होता है, homogeneous function क्या होता है और उसको solve कैसे करते हैं. तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था. वो एग्जांपल में 9.5 का फर्स्ट सम भी करवाया था. नाउ 9.5 का सेकंड सम करेंगे अब हम, है ना. सो लेट अस सी. पहले तो हमें क्या बताना है ये कि इज इट डिफरेंशियल इक्वेशन और इट इज y डैश इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x. ये था, हमें ये बताना है ना सबसे पहले तो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस है या नहीं है. तो ये होमोजीनियस है या नहीं है कैसे पता चलता है. अगर हमारे पास क्या आ जाए, देखो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. एक तो मैंने आपको बोला था यहाँ एक्स की पावर क्या है वन, वाई की क्या है वन, नीचे भी एक्स की क्या है वन. तो सब जगह पे वेरिएबल की पावर क्या है वन. अगर ये वन हो जाए तो इसका मतलब होमोजीनियस होता है. लेकिन आप मैथमेटिक्स में कैसे करोगे, देखो ये फंक्शन है एफ इन एक्स वाई, तो डेट इज वट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. तो यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, लेमडा एक्स, लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स. ठीक है, ये पुट करोगे और इसके बाद क्या आ जाएगा, लेमडा कॉमन निकाल दो वहां से. लेमडा कॉमन निकाला तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन लेमडा एक्स, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर क्या हो गया जीरो. तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. तो ये क्या हो गया, लैम्डा की पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई आ गया. ये यही तो था ये फंक्शन, यही ये वाला फंक्शन यही था ना ये वाला. तो ये आ गया, तो जब ये आ जाए एफ ऑफ लैम्डा एक्स एफ लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर जीरो एफ एक्स वाई आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, वो होमोजीनियस फंक्शन होता है. अब इसका क्या निकालना है, हमने सॉल्यूशन निकालना था ना. तो हाउ यू विल फाइंड आउट सॉल्यूशन, ठीक है. सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो इधर ध्यान दे, सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना, थोड़ा लेंथी सवाल है लेकिन करने तो पड़ेंगे वही हम. तो ये क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. ठीक है, अब क्या करोगे, पुट वाई, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या करना है, पुट वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स. अब इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड. तो व्हाट यू विल गेट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स. वो यार प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं यहाँ पे, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे आप, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा. पहले वी एज इट इज आ गया, एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया, फिर एक्स एज इट इज वी का डी वी बाई डी एक्स. नाउ इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स रहेगा प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, वी एक्स, वी इंटू एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी देयर, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स यहां से कॉमन निकाल के क्या आ गया ऊपर, वन अपॉन वी एक्स अपॉन क्या आ गया, एक्स आ गया, है ना, यही आएगा वन प्लस वी अपॉन एक्स. एक्स के साथ एक्स क्या कर दो, कैंसिल कर दो. तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे वी प्लस था, अब क्या हो जाएगा, ये एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वी बचा ना यहाँ पे, वन प्लस वी तो बचेगा, है ना, वन प्लस वी बचा यहाँ पे एक्स वन प्लस वी, और ये वी तरह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, वी के साथ वी क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी हमारे पास, है ना. तो अब ये क्या रह गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया जी. ठीक है, वन बचेगा यहाँ पे, ये देखो गलती तो नहीं की हमने, एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया, एक्स वन प्लस वी एक्स यही आ रहा है और तो कुछ नहीं आएगा. ठीक है, ठीक है, अब ये देखो डी एक्स इधर क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा. अब इनका क्या कर दो, देखो हो गए ये सेपरेट हो गए, अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू लॉग
एक्स प्लस सी, ठीक है ये आ गया। अब v की वैल्यू पुट कर दो, v की क्या पुट कर दो वैल्यू। अब यहां पे c1 पुट कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम ना। v की जगह पे क्या आएगा, यहां से y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स आ गया इजिकल टू क्या आ गया ये log x प्लस सी वन। सी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार बाद में सी वन को हमें सी लिखना पड़ता है ना, e की पावर आ जाती है, इसलिए मैं सी वन लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, वाई इजिकल टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स सी वन, और सी वन को क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे बाद में। तो ये आंसर होना चाहिए, चेक वन टाइम इट्स आंसर, आंसर जरूर चेक कर लो इसका। वाई इजिकल टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू सी ना, तो यही आंसर है इसका मेरे ख्याल से, चेक कर लेना एक बार आंसर, सो नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, देखो होमोजीनियस आप खुद कर लो ना, होमोजीनियस कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट योर सेल्फ, ठीक है। नाउ मैं सीधा इसका सोल्यूशन निकालूंगा, तो वो क्या होगा, देखो पहले तो एक्स माइनस वाई डी वाई इजिकल टू, ये माइनस था इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब डी वाई सबसे पहले तो फॉर्म ही याद रखनी है जी, कि कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये आपको अगर अगर आप एग्जाम में कैसे, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर एग्जाम में मुझे कैसे पता चलेगा कि होमोजीनियस लगाऊं या सेपरेटेबल मेथड लगाऊं, अरे अगर वहां पे होता है कि सॉल्व करो तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, अगर तो मेंशन कर दिया कि बाय सेपरेबल मेथड करो या होमोजीनियस करो, तो फिर तो बहुत ही आसान है ना, आपको मेथड बता ही देगा वो। अगर मेथड मान लो नहीं बताया तो क्या करोगे, तो देखो पहले सेपरेबल करके देख लो, अगर सेपरेबल हो गए तो सेपरेबल मेथड से कर दो, नहीं तो क्या कर लगा दो, होमोजीनियस लगा दो। तीसरा हम करेंगे भी, फिर तीसरे की बारी में ही बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो अब यहां पे सेपरेबल नहीं होंगे तो आप ऐसे कर दो, ठीक है। अब पुट वाई इजिकल टू वी एक्स, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये तो याद ही रख लो यार, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये सबको पता ही चल गया ना, वो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। अब पुट इन फर्स्ट, यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पे वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। एक मिनट देख लो, स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट तो सही लग रही है मेरे को, सही क्या है, स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अब देखो एक्स यहां से कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स कॉमन निकाल दू तो ये क्या रहेगा, वन प्लस वी अपॉन एक्स वन माइनस वी, ये रह गया जी, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, अब वी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ठीक है। यहां से दिखाई तो दे रहा है बेटा, यस आगे देखो, अब यहां पे इसकी पार्शियल पार्स कर लेंगे हम, यहां पे एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, वन माइनस वी, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस वी, फिर क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वी, ठीक है। तो माइनस वी स्क्वेयर होगा, माइनस बाहर था तो क्या हो जाएगा, प्लस वी स्क्वेयर आ जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया ऊपर, एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू वन प्लस वी स्क्वेयर अपॉन वन माइनस वी, ये आ गया जी हमारे पास, ठीक है। अब इसको सेपरेबल कर सकते हो, अब आराम से सेपरेबल कर सकते हो, देखो कैसे, ये वन माइनस वी तो यहां पे आ जाएगा, वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी का स्क्वेयर, वन प्लस वी का स्क्वेयर इंटू क्या आएगा, डी वी, तो डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स, ये सेपरेबल हो गए। अब इसका क्या कर दो,
इंटीग्रेशन कर दो है ना। इंटीग्रेशन कैसे करोगे भैया, वन अपॉन वन प्लस वी का स्क्वायर माइनस वी अपॉन वन प्लस वी का स्क्वायर, डीवी तो है ही है दोनों के साथ है ना, दोनों के साथ है याद रखना, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस सी आ गया ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा भाई, अरे भैया ये देखो वन प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स एक्स वी है वी अपॉन ए टेन इनवर्स वी आ गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना। अब इसमें ये एक बात और बताऊंगा आपको है ना, बहुत बढ़िया बात है कि ये एप्लीकेशन इंटीग्रेशन जो चैप्टर है ये आपको याद दिलाता है किसकी, डेरिवेटिव की भी और इंटीग्रेशन की भी। अगर आपने डेरिवेटिव भी कर रखा, डेरिवेटिव नहीं कर रखा, इससे आपकी रिवीजन भी होगी, देखो यार डेरिवेटिव की रिवीजन भी होगी इससे और इंटीग्रेशन की भी होगी है ना। अगर नाइन्थ चैप्टर करते करते आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाता है तो इसका मतलब फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ चैप्टर आपके हो गए, फिफ्थ भी हो गया सिक्स सेवन्थ भी हो गया और एट नाइन्थ तो चल ही रहा है ना। तो ये हो गया टेन इनवर्स वी माइनस, इसका क्या करोगे भैया, मान लो यहाँ पे ये था माइनस बार था है ना, ये वी था अपॉन क्या हो गया वन प्लस वी स्क्वायर ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया टू, यहाँ टू लगाओगे तो यहाँ पे भी टू लगाना पड़ेगा, टू के साथ टू क्या हो जाएगा कैंसल, तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है टू वी है ऊपर पड़ा है तो नो प्रॉब्लम। इसको क्या कर दोगे देखो लॉग एक्स प्लस सी, नाउ व्हाट यू कैन राइट टेन इनवर्स वी माइनस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वन प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये आ गया जी इसका जनरल सॉल्यूशन, एक तरह से ना जनरल सॉल्यूशन बन गया जी। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा अच्छा लिख रहा है, अब वाई की वैल्यू पुट करो यहां से वी की, सॉरी वी क्या था यहां से वी क्या आएगा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी आ गया। अब यहां पे यार वैल्यू पुट कर दो आप बस और कुछ नहीं करना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस हाफ लॉग वन प्लस वी की जगह पे क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी है ना। अब यहां पे और देख लो भी आप क्या कंबाइन क्या कर सकते हो ना, जितना आप कंबाइन कर सकते हो उतना कंबाइन कर दो और बाकी को आप उधर लेके जाओ ना, अगर नहीं भी करना तो आप आंसर चेक कर लो कि क्या इसमें आंसर क्या आ रहा है ठीक है। तो लेट अस सी, इसको थोड़ा और कंबाइन करें, ये रब कर दो यहां से और कंबाइन कर देते हैं आंसर को ना, ताकि हमने थोड़ा नजदीक जाना है आंसर क्या और है ना, यहां पे छोड़ दोगे तो यार नंबर कट जाएंगे और कुछ नहीं है। तो लेट अस सी ये क्या करोगे, ये देखो इधर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ठीक है इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो लॉग एक्स तो यहां पे है ही है प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा लॉग यहां पे इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस, ये रब कर रहा हूं थोड़ा सा इधर से भी, यस तो ये क्या हो जाएगा लॉग यहां पे एलसीएम ले लीजिए ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस सी यहां पे है ये ना। अब देखो अब ये वन बाय टू है ना इसकी पावर में आ जाएगा, यहां पे वन बाय टू ये एम है ना यहाँ पे क्या आ गया वन बाय टू आ गया, वन बाय टू का मतलब क्या हो गया अंडर रूट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा देखो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, ऊपर तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट लॉग क्या हो गया जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा जी इसकी पावर वन बाय टू करोगे तो क्या आ जाएगा ओनली एक्स आ जाएगा प्लस क्या आ गया सी आ गया। अब इसको और कंबाइन कर लो आप, कंबाइन कैसे कर सकते हो सुनो इधर, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग क्या है एन, लॉग एम प्लस एन क्या होगा लॉग एम इंटू एन हो जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ठीक है प्लस सी, ये एक्स के साथ एक्स कैंसिल होगा ये आंसर रह जाना चाहिए हमारा ना। अब चेक करते हैं इसका आंसर,
तो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए इसका जी। हाँ जी अपना चैप्टर 9.5 tan इनवर्स y बाय x 1/2 इन्होंने आगे लिख दिया भैया, कोई बात नहीं है आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है यही आंसर है बस। ये देखो ना ये इसमें डरने वाली बात नहीं है कि सर यहाँ तो ये आ रहा है log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, अगर ये इसका मतलब यही होता है ना 1/2 ठीक है तो ये 1/2 आगे आ जाएगा बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर आपने बिल्कुल पीछे मिलाना तो आप ऐसे लिख दो आंसर, और ये 1/2 कहाँ पे आ जाएगा इसके आगे आ जाएगा। ठीक है सो नोटेड डाउन इट वॉज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ सम, फोर देखो बेटा फिर भाई पहले तो आपने वो क्या कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल फंक्शन कर लोगे आप ना कैसे करना है। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे क्या करोगे वो फॉर्म आनी चाहिए ना 2xy dy इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओ ना माइनस हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है अब देखो ये इधर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा जी 2xy। एक और बात बता दूं होमोजीनियस की, देखो इधर x की पावर 2 है y की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल x है y है 1 1 तो होमोजीनियस हो गया, लेकिन आपने करना वैसी है लेमडा x और लेमडा y के साथ। ठीक है तो अब कर दे शुरू, इसको करनी पड़ेगा भैया, ये माइनस हटा दो यहाँ से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। नाउ पुट y इज इक्वल टू वी एक्स फिर वही डी वाई बाई डी एक्स, कुछ खास भी नहीं है यार वही आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो पता ही है यार सवाल में क्या कर रहे हैं हम यार, वही प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं और क्या है ना, इसमें पुट कर दो अब ये क्या आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ठीक है इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे क्या पुट करना है वी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x टू एक्स वाई की जगह पे क्या पुट कर दोगे वी एक्स। ठीक है अब क्या हो जाएगा देखो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो ये क्या रहेगा माइनस 1 प्लस वी का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू वी हो गया है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये रह गया हमारे पास, तो अब वी क्या हो जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां पे कर देता हूं अभी स्पेस कम रह जाती है इसके लिए एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी का स्क्वायर अपॉन एलसीएम क्या लिया 2v। चलो अभी तो रहने दो एलसीएम पहले ये ले आऊंगा इधर 2v और ये वी इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस वी। अब लेते हैं एलसीएम है ना एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया 2v क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस वी का स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। ठीक है अब क्या हो जाएगा देखो एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी का स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है अब इसको क्या कर दो सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करोगे तो 2v इधर आ जाएगा 2v अपॉन देखो 2v इधर आ गया डीवी है ये यहाँ पे माइनस 1 माइनस वी का स्क्वायर। ठीक है इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अरे कुछ नहीं है क्रॉस मल्टी वाला कंसेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आ गया ये। ठीक है अब नीचे से माइनस क्या निकाल दो कॉमन, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा देखो इधर 2v अपॉन 1 प्लस वी का स्क्वायर, नीचे माइनस 1 बाहर आ गया तो माइनस 1 आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है क्योंकि इसका डेरिवेटिव पर पड़ा है अब, तो ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। दिखाई दे रहा है यार यहां से लिखे तो जा रहे हैं हम, चेक कर लू मैं, यस दिख रहा है। ठीक है
तो अब क्या करोगे, वाई की वी की वैल्यू पुट कर दे। कहा गया भैया, तो ये देखो क्या करोगे, नाउ व्हाट यू विल डू, वाई इज इक्वल टू वी एक्स होता है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स होता है। और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस लॉग लॉग वन प्लस वी का स्क्वायर, v की जगह पे पुट कर दो ना, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या था, vx, तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, log x प्लस c, ठीक है, log x प्लस c। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस है ना यार, ये माइनस तंग करेगा, कोई बात नहीं, माइनस log ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र, तो माइनस इधर आके माइनस लॉग एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या गया, सी। अभी इसको माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये क्या रह जाएगा, लॉग माइनस बाहर निकाल दो, इसी स्टेप में कर देते हैं यार, क्यों इतना लंबा करना, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां से, है ना, तब लॉग एम इन टू क्या कर दो, एन, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र इन टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सी। अब एक एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल हो गया तो ये क्या रह गया, अब लॉग उधर ले लू, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर सी हो गया, है ना। आंसर चेक कर लेते हैं अब इसका, ना यही आंसर ना जी, ऐसा कुछ है, चेक इट्स आंसर, ये कौन सा सवाल था हमारा, फोर्थ सम है, फोर्थ है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू, यही है बस, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखना, जब ये ऐसी ऐसा आता है ना तो आप यहाँ पे सी वन लिख दिया करो, सी वन सी वन सी वन सी वन सी वन सी वन, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स इन टू ई रेज पावर सी वन, और इसको क्या लिख दो, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये क्या लिख दो, एक्स इन टू सी लिख दो बाद में, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स इन टू सी, चेक कर लेना भाई आंसर, ठीक है, आंसर जरूर चेक करो इसका, इसका क्या, हर एक क्वेश्चन का आंसर चेक करो, अच्छे क्वेश्चन है जी, तो नोटेड डाउन, नाउ फिर सम, फिर भाई देखो डीवाई बाई डी एक्स की फॉर्म में क्यों नहीं है यहाँ पे, लिख दो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस टू वाई स्क्र प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्र, ठीक है। अब ये देखो होमोजीनियस तो आप खुद ही करोगे ना, मैंने बोला था आप खुद करो, होमोजीनियस का मतलब ये देखो पावर एक्स की टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन प्लस वन टू हो जाएगी, वेरिएबल की पावर यहाँ पे टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस तो है, लेकिन आप वही लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से करोगे ना। अब फिर वही पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहां पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई की जगह पे क्या पुट करोगे, वी स्क्र, टू तो है ही साथ में, टू वी स्क्र एक्स स्क्र प्लस ये क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र, है ना, तो ये एक्स स्क्र क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल के क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना, तो नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, मैं सीधा कर रहा हूँ, एक्स स्क्र यहां से निकाल के यहां से तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, वन माइनस टू वी स्क्र प्लस वी माइनस वी, है ना, ये रह जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, v के साथ v कैंसिल, नाउ ये क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन वन माइनस टू वी स्क्र इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, अब इनका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, देखो यही रहा, ठीक है, देख रहे हो, यही आएगा बस, है ना, अब इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या करोगे, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे वन माइनस टू वी स्क्र है, तो ये इसको देखो ऐसे लिख लो आप, डी वी
मैंने वन टू कॉमन निकाल दिया, टू कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, वन अपॉन टू माइनस वी स्क्वायर। बोला था ना मैंने जब इंटीग्रेशन कराया था, जब ये वी अकेला होना चाहिए, एक्स की जगह पे एक एक्स होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला लगाना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, इधर क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस सी आ गया। सी वन लिख लो अगर लिखना है तो, नहीं बाद में सी कर देना। तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी डी वी अपॉन, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी वन। ठीक है, अगर ना जरूरत पड़ी तो सी लिख देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब वन अपॉन क्या है, सी वन लिखा भी देने दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ना, ये होता है जी आई थिंक याद है आपको, मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये क्या होता है आई थिंक वन अपॉन टू तो है, ये वन अपॉन टू ए, ए क्या है यहाँ पे, ये ए है वन अपॉन अंडर टू, वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स, ए कितना है वन बाई अंडर टू प्लस एक्स मतलब बी अपॉन ए माइनस एक्स। ये चेक कर लेना यार एक बार, वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये ध्यान में रखना यार ये फॉर्मूला। ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी वन लेंगे। अब ये देखो ये क्या बनेगा ना, ये वन अपॉन टू ऊपर चला जाएगा, वन अपॉन क्या हो जाएगा ये अंडर टू ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा अंडर टू अपॉन फोर आ जाएगा ये थिंक है ना, टू वन टू टू बाई अंडर टू अपॉन टू हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा वन प्लस अंडर टू वी अपॉन वन माइनस अंडर टू वी। अरे भैया समझ रहे हो ये मैंने क्या कर दिया, अंडर टू क्या ले लिया यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे भी अंडर टू एलसीएम लिया, अंडर टू का अंडर टू कैंसिल हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो इजिकल टू क्या आ गया जी लॉग एक्स प्लस सी वन, इसको देखना जरा ध्यान से। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना हमने, एक इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कर दो, अंडर टू अपॉन क्या हो जाएगा अंडर टू। ठीक है, तो ये क्या आ गया ऊपर टू अपॉन फोर अंडर टू लॉग, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो वन प्लस अंडर टू वी की जगह पे क्या आएगा वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या आ गया वाई बाय एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया वन माइनस अंडर टू वाई बाय एक्स। ध्यान से देख लो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लॉग एक्स प्लस सी वन। ठीक है, ये टू वन जार टू, टू टू जार क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ना। अब ये फिर यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा वन बाय अंडर टू लॉग, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस अंडर टू वाई, नीचे मैं एक्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे भी एक्स है, वो एक्स के साथ एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मैं एक्स्ट्रा कम कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस अंडर टू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी वन है ना। ये आंसर चेक कर लो यार, या तो ये इसको ऊपर लेके जाओगे तब भी कुछ नहीं होना, मेरे ख्याल से यही आंसर हो जाना चाहिए इसका है ना, आप चेक जरूर कर लो इसका आंसर, वन अपॉन अंडर टू लॉग ये यही आंसर आएगा बस। सी वन की जगह सी सी कर दो आप बाद, अगर बात कोई बात नहीं है बाद में सी वन को सी लिख सकते हो, कहीं आप सोचो सर आपने सी वन लिख दिया आप सी कर दिया यूज नहीं हुआ, तो कोई बात दिक्कत नहीं आया, सी वन है तो यहाँ पे सी कर दो नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया, तो यही आंसर होना, यही आंसर चेक कर लो इसका ना एक बार, चेक यूर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिक्स सम, सिक्स में क्या था बेटा, यहाँ पे एक्स डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू दिस, यहाँ पे डी एक्स है यहाँ पे डी एक्स, पहले तो डी एक्स को उधर लेके जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, अब इसका क्या करोगे भैया, डी एक्स कॉमन निकालो वहां से, एक्स डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, इधर आ गया एक्स से नीचे आ जाएगा नो प्रॉब्लम। ठीक है,
अब देखो वो अपने आप कर लेना यार, होमोजीनियस है नहीं है ना, वो आप खुद करोगे, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ सिर्फ इसका। तो पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, अब यहाँ पे क्या आ गया फिर वही आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये भी सब, ये वाली चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी, है ना, यहां पे क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू वी एक्स था, वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे, अंडर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो देखो ये क्या आएगा, बाहर अंडर रूट से बाहर क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है, बाहर आ गया एक्स अंडर रूट, यहां पे क्या बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स यहां से एक्स कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे आप, तो उसके बाद वी भी कैंसिल हो जाएगा, देखो वी उधर जाके माइनस वी हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया ओनली हमारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, बस यही बचा, ठीक है। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, कैसे करोगे, पहले सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी वी बाय अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, दिखाई दे रहा है यहां से, अरे भैया दिखाई नहीं दिया यहां पे, तो कोई बात नहीं, स्टेप ही लिखना था यार, अगले बार लिख देते हैं यहां पे, लिख देते हैं यहां तक तो ठीक है। देखो इधर का क्या करोगे, इसका क्या करोगे, ये आ जाएगा डी वी अपॉन में अंडर रूट वन प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो गया डी वी अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब इसका क्या करता हूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो डी वी अपॉन वन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर क्या होगा इसका, मेरे ख्याल से होता है यार लॉग वी एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वी का स्क्वायर, ये देख लेना एक बार यार, ध्यान में नहीं है मेरे, लॉग एक्स प्लस वी है ना, ये फॉर्मूला जरूर चेक कर लेना, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से तो यही होता है, आप चेक जरूर कर लेना, हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस यही होता है यार, आप चेक कर लेना एक बार, है ना। अब यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू क्या करोगे, वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स था, तो ये क्या आ जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू, ये था ना पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स था, तो यहां से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई अपॉन एक्स, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा जी लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वेयर अंडर रूट में था ये सारा, यहां पे अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर अंडर रूट में से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब ऐसा करो इसको कंबाइन करके लिख दें, लॉग वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स, और इधर ये लॉग एक्स इधर ले आओ माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी वन लिख दो ना, यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, दिखाई दे रहा है यार सी वन यहां से देख लू मैं एक बार, हाँ सी वन तो दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया यार ये, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब देखो इसको ऊपर लिखता हूं मैं, ये आपने ध्यान से नोट कर लिया होगा, है ना, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा सारा। तो अब क्या है यहाँ पे, आप पॉज करके भी देख सकते हो ना, अगर रब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, है ना, वीडियो का ये भी फायदा है यार, आप कभी भी उसके बाद भी देख सकते हो ना, कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग
ये log m माइनस log n है ना, log m अपॉन n हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स था, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन का मतलब क्या था, लॉग एम अपॉन एन, तो नीचे क्या आ गया एक्स आ गया यहां पे, और इज इक्वल टू क्या है ये सी वन है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ये लॉग ये क्या हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स है, एक्स अपॉन वन तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वन अपॉन क्या गया एक्स स्क्वायर आ गया, इजिकल टू क्या आ गया सी वन, अब ये लॉग को उधर ले लो तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर इजिकल टू ई रेज पावर क्या होगा सी वन, आपको पता है ना लॉग उधर लेके जाते तो ई की पावर हो जाता है जो भी इधर होगा ना, अब वेरी सिंपल वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज पावर सी वन, और यहाँ पे ई रेज पावर सी वन की जगह क्या क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, चेक कर लेना भैया इसका भी आंसर है ना, चेक कर लो इसका भी आंसर एक बार, ये कौन सा क्वेश्चन था सिक्स्थ क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ना, सिक्स्थ क्वेश्चन वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, यही आंसर है बस इसकी एक अभी सी लिख देना है, सो नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ इसका सेवन सम, आज के लेक्चर का लास्ट सम करवाऊंगा ये मैं, है ना, इसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे मैं, तो मतलब 40-45 मिनट की वीडियो बन जाती है उससे, फिर बच्चा मैंने सुना है बच्चे कहते हैं सर इसके बाद ना थोड़ा बोर से हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं भैया, क्योंकि इसमें क्लास में भी आपका 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर होता है, तो उसमें भी आप कई बार तो चलो उसमें तो हंसी मजाक भी बहुत चलता रहता है, ठीक है, उसमें वैसे मैं भी मतलब बोर नहीं होने देते हम, है ना, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा है दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। अब देखो होमोजीनियस फंक्शन तो आप कर लोगे है ना, अब मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, थोड़ा लेंथी सा लगा हुआ है सब, कोई बात नहीं, ये देखो इधर ये वाई इसको उधर ले जाए डी वाई बाई डी एक्स करना है, ये देखो ये क्या आ जाएगा एक्स, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ यार मैं दोबारा दोबारा क्या लिखूंगा, देखो ये डी एक्स है ना, यहां से डी एक्स हटा दिया मैंने, इसके नीचे ले गया मैं डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स यही करना था, उसके बाद ये सारा इसके नीचे ले आया मैं, इसके नीचे ले आऊंगा मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, साथ में क्या आ गया इसके एक्स आ गया, तो इधर क्या रह गया बेटा इधर एक्स डीवी बाई डी एक्स रह गया जी, ठीक है, तो इधर क्या रह गया एक्स इजिकल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, ठीक है। अब देखो कि एक्स भी ले गया था यार मैं उधर एक्स ले गया ना, तो मेरे ख्याल से सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही बचा इधर, ठीक है, चेक कर लेता हूं एक बार मैं, तो एक्स ले गया उधर भाई एक्स भी उधर ले गया डी वाई बाई डी एक्स बचा, अब फिर वही पुट कर दो तो इधर क्या हो जाएगा वाई, ये करते हैं ना वाई इजिकल टू वी एक्स, तो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, मेरे ख्याल से अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको सारा समझा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आता है ये एक्स प्लस डीवी बाई सॉरी यहाँ पे क्या आएगा पहला फंक्शन एज इट इज क्या लेते थे हम वी फर्स्ट फंक्शन इंटू ये इसका फिर एक्स डीवी बाई डी एक्स ये लिखते थे, अब यहाँ पे इधर वाली साइड लिख दो नो प्रॉब्लम वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स ये आ गया, अब यहाँ पे पुट करो एक्स यहाँ पे मैं शॉर्ट में पुट करूँ वाई की जगह पे बी एक्स पुट करूंगा वाई की जगह पे बी एक्स तो एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या रहेगा एक्स कॉस बी प्लस वाई साइन वाई की जगह बी एक्स एक्स के साथ एक्स कैंसिल बी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है ये ध्यान से करना अपॉन यहाँ पे क्या आ गया वाई साइन ये बी एक्स एक्स बी आ जाएगा माइनस एक्स कॉस बी आ जाएगा यहाँ पे और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो इधर इसको इधर था वाई की जगह पे बी एक्स और नीचे क्या था एक्स था ठीक है इजिकल टू ये आ गया एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया अब ये रह गया ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ वाई अरे वाई कहां से आ गया यार वाई की जगह पे तो बी एक्स आना है ना वाई की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा बी एक्स आएगा बी इंटू एक्स यहाँ पे वाई की जगह पे क्या आ जाएगा बी एक्स आ जाएगा ठीक है ये रह गया अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम
एक्स यहां से भी कॉमन ले लो एक और, हाँ एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा अंदर, कॉस वी प्लस वी साइन वी अपॉन, साथ में वी है यहां पे बाहर आए सबके है ना, तो एक्स कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या रहेगा, वी साइन वी माइनस कॉस वी ठीक है इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया, ये एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो यार इसको क्या करोगे, v को इधर लेके आओ पहले, तो v को है तो ये क्या हो जाएगा देखो इधर, ये v मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, v cos v प्लस v स्क्वेयर साइन v अपॉन में क्या था v साइन v माइनस cos v माइनस v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया है ना। अब इसका देखो क्या आएगा भाई, क्या चलेगा, v cos v प्लस v स्क्वेयर साइन v माइनस v स्क्वेयर साइन v माइनस प्लस v cos v अपॉन में क्या आ जाएगा जी, v साइन v माइनस cos v, ये एलसीएम लेके आया है हमारे पास x dv बाई डी एक्स, ये आ गया जी है ना, डी वी बाई डी एक्स इंटू क्या था एक्स था। अब ये मेरे ख्याल से वी स्क्वायर साइन वी माइनस प्लस कैंसिल हो गया ठीक है, अब देखो क्या बचेगा देखते हैं यहाँ पे ना, इसको रब कर दे ऊपर से पर कोई मिस्टेक ना हो यार, ये चेक कर लेना नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, दोबारा करना पड़ेगा मुझे सारा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो दोबारा करना बहुत मुश्किल लगेगा भैया। v cos v, v प्लस cos v टू cos v हो गया, चलो देखते हैं करके ना, अब तो हो जाएगा जो होगा दिख ही जाएगा, गुस्सा बहुत आता है अगर गलत हो जाए तो बेटा है ना, तो ध्यान रखना आपने भी। तो ये क्या हो गया देखो, v cos v, v cos v क्या हो जाएगा टू v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, नो प्रॉब्लम, डी एक्स इधर आके क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन में क्या होगा जी टू वी कॉस वी, टू वी कॉस वी इंटू डी वी आ गया है ना। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा देखो, यहां पे तो चलो अभी कर रहा हूं मैं, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वी साइन वी अपॉन टू वी कॉस वी माइनस कॉस वी अपॉन टू वी कॉस वी ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया इसको, डी वी दोनों के साथ है याद रखना, तो यहां पे वी के साथ वी कैंसिल हो गया, यहां पे कॉस वी के साथ कॉस वी कैंसिल हो गया जी ठीक है, वन बाय टू बाय बाहर ही निकाल रहा हूं, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू बाहर निकाल दिया, तो यहां पे क्या रह गया वन साइन वी अपॉन कॉस वी क्या हो जाएगा टेन वी माइनस वन अपॉन क्या आ गया वी आ गया ये आ गया इंटू डी वी ठीक है, ये साथ में है साइन वी अपॉन कॉस वी टेन वी आ गया माइनस वन अपॉन वी आ गया ठीक है, टू बाहर निकाल दिया था। अब यहां पर क्या कर दो आप, बहुत लेंथी हो जाती है सवाल ये ठीक है, अब क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड, यहां पे कर दो इकट्ठे ही इंटीग्रेशन, यहां पे भी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू हाफ, तो आई थिंक टेन वी का क्या होता है लॉग सीकेंट वी लिख दे, लॉग सीकेंट वी माइनस लॉग वी ठीक है, ये आ गया अब इसका इंटीग्रेशन है ना। अब यहां पे इसको इकट्ठा कर ले, पहले इकट्ठा करना भैया इकट्ठा कर लो, बाद में करना बाद में कर लो, वो आपकी इच्छा नो प्रॉब्लम, चलो पहले पुट कर देते हैं वैल्यू ठीक है, पुट कर दूं वैल्यू, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू हाफ, तो ये क्या हो जाएगा लॉग सेक वी
इसको तो कर ही यार लॉग, ये क्या हो जाएगा देखो, इसको तो मैं कर ही रहा हूँ यार कंबाइन, देखो इसको कंबाइन कर रहा हूँ पहले, तो ये क्या हो जाएगा हाफ लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, सीकेंट वी अपॉन क्या आ गया वी आ गया, ये आ गया ना। अब मेरी क्या है कि लॉग एक्स को भी उधर ले ही जाऊंगा है ना, लॉग एक्स को भी उधर ले ही जाऊ, ठीक है ले जाते हैं उधर है ना, इसको टू को इधर ले आएंगे तो उसको उधर ले जाओ, चलो ले जाते हैं इसको ना, ये थोड़ा इधर कर रहा हूं मैं, ये भी करते हैं ना लॉग एक्स, या इसको ऐसे कर लो यार लॉग एक्स माइनस हाफ लॉग सीकेंट वी अपॉन वी, ठीक है इसको इधर ले आया तो सी वन उधर चला गया, माइनस सी वन हो गया मान लो यहां पे, ठीक है। अब देखो लॉग एम माइनस ये हाफ काम खराब कर रहा है ना, कोई बात नहीं हम एक बार आंसर पे ही नजर मार ले, आंसर पे भी देख लेना क्या आ रहा है आंसर में, कोई बात नहीं आ जाएगा इसका आंसर भी ऐसे, ठीक है। अब करते हैं इसको टू यहां पे मल्टीप्लाई में कर दे, देखो टू यहां पे क्या कर दो एलसीएम ले लो, टू टू का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से टू का एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा टू लॉग एक्स, ठीक है माइनस लॉग सेकेंड वी अपॉन वी इजिकल टू माइनस सी वन, अपॉन टू है तो वो टू भी यहां पे मल्टीप्लाई हो गया माइनस टू सी वन हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दे टू लॉग एक्स माइनस लॉग सेकेंड वी सेक वाई, ये क्या था वाई इजिकल टू वी एक्स था तो वी की जगह पे क्या आएगा वाई बाई एक्स आ जाएगा, तो सेकेंड वाई बाई एक्स आ गया अपॉन में क्या आ जाएगा वी की जगह पे वाई बाई एक्स आ जाएगा, ये आ गया इजिकल टू माइनस टू सी वन आ गया ना, ये लॉग एम माइनस लॉग एन है, ठीक है। तो इसको भैया कैसे करो, ये टू यहां पे स्क्वायर कर दो, ये कर दिया हमने। अब इसका अगर करनी है तो आप ये क्या कर सकते हो लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है तो ये क्या आ गया सेक वाई बाई एक्स अपॉन वाई अपॉन क्या आ गया एक्स आ गया जी, ठीक है ये आ गया इजिकल टू माइनस टू सी वन आ गया। बहुत देखो लेंथी सा हो गया, कोई और शॉर्टकट हो तो आप कर लेना है, वैसे मेरे ख्याल से ये सही है, सही कर रहे हैं है ना, आंसर पे पहुंच जाना चाहिए यार, आंसर भी चेक कर लें इसका एक बार क्या आंसर है, चलो कोई नहीं देखते हैं चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो इसको, ये लॉग तो उधर लेके जाऊंगा मैं, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सेक वाई बाई एक्स है इनटू ये वाई बाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स अपॉन क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये एक्स स्क्वायर था एम अपॉन एन था सेक वाई, अरे 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 यहाँ पे गलती कर दी मैंने, ये इसके नीचे नहीं था ये क्या था ये देखो एक्स स्क्वायर इनटू ये चेंज हो जाएगा ये वाई अपॉन एक्स के ऊपर चला जाएगा, ठीक है वाई अपॉन एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा सेकेंड वाई बाई एक्स इजिकल टू ई रेज पावर माइनस टू सी वन हो जाएगा ना। अब ये देखो ये क्या होगा, ये तो यार वाई अपॉन एक्स है कोई बात नहीं, अपॉन में सेकेंड वाई बाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एक एक्स तो इसके साथ ये एक्स कैंसिल हो गया यार, अब क्या बचा एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई एक्स इंटू वाई अपॉन सेक वाई बाई एक्स इजिकल टू सी, तो आंसर चेक करो यार इसका एक बार आंसर चेक कर लें सीकेंड वाई अपॉन, यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं भैया कहीं पे कहीं ना कहीं पे, देखो वैसे तो ठीक है जी चेक कर लें इसका आंसर, यहां से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सेक वी अपॉन वी था ना ये, अगर इसकी वैल्यू बाद में भर दी जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई बात नहीं वाई अपॉन एक्स वी वाई अपॉन एक्स था तो ये एक्स स्क्वायर था लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एम अपॉन एन था ये था ना, ये यहां पे गड़बड़ कर रहा हूं ना, कोई दोबारा से करते हैं इसको सॉल्व थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सॉल्व दोबारा करो यार यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं वहीं पे, ठीक है ये वाई अपॉन एक्स में
यहाँ पे मान लो v रख लिया यार मैंने, क्या रख दिया v, मान लो अभी v है यहाँ पे, लेट अस सपोज अभी क्या है v है, v अपॉन v है ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे शुरू करता हूँ, बाद में पुट करता हूँ वैल्यू यार, इसने प्रॉब्लम दे रहा है थोड़ी सी ये, ठीक है। ये क्या आएगा अब देखो, लॉग ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सेक वी अपॉन वी, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस टू सी वन। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी बाय सेक वी इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस टू सी वन आ गया, ठीक है। अब सेक वी को उधर ले जाऊं मैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू, ये सी हो गया सी इंटू सीकेंट वी आ गया, ठीक है। अब यहां पे आंसर चेक कर ले यार एक बार, ठीक है। तो आंसर में क्या आ रहा है ये चेक कर ले हम एक बार, आंसर में क्या आ रहा है इसका, आंसर चेक कर ले। सेवन सम था एक्स इंटू वाई कॉस वाई बाई एक्स, तो चेक कर लेते हैं ये भैया आंसर एक बार। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी की जगह पे क्या पुट कर दोगे वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंट वी, वी के मतलब सीकेंट वी रहने दो यार यहाँ पे, अभी कोई बात नहीं बाद में पुट कर दूंगा मैं। तो ये क्या आ गया आंसर एक्स इंटू वाई, देखो क्या आ गया आंसर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी इंटू सेक वी, ठीक है। अब पीछे आंसर क्या है जी, बस ये सही आंसर है ऐसे ही आएगा एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स। ये देखो क्या कर दिया इन्होंने एक्स वाई इज इक्वल टू सी इंटू वन अपॉन कॉस वी आ गया जी, कॉस वी को इधर ले आओ इंटू कॉस वी इज इक्वल टू सी, अब वी की जगह पे फिर क्या लिख दो कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी, ये आंसर आई आपका बैग में। थोड़ा सा देख लेना मैंने कहीं पे कोई मतलब ज्यादा लेंथी खींच दिया हो, वैसे तो स्टेप आसान है ना, कहीं पे आप ये देख लो कुछ शॉर्ट भी हो सकता हो तो शॉर्ट कर सकते हो ना, इसको देख लेना अगर शॉर्ट हो रहा हो तो शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, कोई बात क्योंकि ना कई बार ये होता है यहाँ पे लॉग सी भी ले सकता था मैं, क्या ले सकता था लॉग सी, लॉग सी लोगे तो फिर और थोड़ा सा आसान बन सकता है मेरे ख्याल से ना, नहीं तो बाकी सिंपल स्टेप है आप करो इसको सॉल्व करो ना, बहुत आसान सॉल्व है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर में थोड़ी बहुत डिफरेंस रह जाए तो वो आप देख लेना है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताया करो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, अगर समझ आ जाए तो वो भी लिख के भेज दिया करो कि सर आई अंडरस्टूड वेल, ठीक है इतना लिख के भेज दिया करो कि सर मुझे समझ आया, ठीक है। सो इस बार देखूंगा मैं कितने बच्चे लिख के भेजेंगे सर हमें समझ आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।